तो हेलो गाइस, क्या आप भी बनाना चाहते हो अपने सवाल सीरीज के अंदर वेंडिंग मशीन? तो वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इसी बात पे इसके लिए आपको सबसे पहले 3x3 की डस्ट को डिग कर लेना है नीचे तक, और इतना करने के बाद आपको नीचे चल जाना है और यहाँ पर सामने की साइड आपको 3 डॉपर्स लगा देने फेस करते हुए। ऐसा ही आपको इसके सामने की साइड करना, जस्ट लगा देते जल्दी से। इतना करने के बाद आपको ऑब्जर्व चाहिए होंगी, ऑब्जर्व लगा देना। मेक श्योर इनका एरो का साइन डॉपर्स की साइड हो। ऐसा ही आपको दूसरी साइड भी करना है। ऑब्जर्व लगा देने के बाद आपको पीछे चल जाना है और यहाँ पे भी आपको ऑब्जर्व लगा देने। मेक श्योर इनका वेट फेस ऊपर की साइड हो और यहाँ पे भी आपको ऐसा ही करना हो। आपको पीछे की साइड एक लेयर हटा देनी है डस्ट की, जैसे कि मैं हटा रहा हूँ। जल्दी से हटा देते हैं डस्ट के लिए। और लेयर हटाने के बाद आपको यहाँ पे सामने की साइड 2 ब्लॉक लगा देने हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैं लगा। और फिर आपको नीचे की लेयर भी हटा देनी है डस्ट की एक। जल्दी से हटा देते हैं डस्ट की लेयर को भी। डस्ट की लेयर हटा देने के बाद आपको ऑब्जर्वर की इस्तेमाल करना है। ऑब्जर्वर आपको यहाँ पे जो ब्लॉक लगाए थे उनके नीचे लगा देने फेस करते हुए। और फिर आपको यहाँ पे ब्लॉक रख देना है एक और इसके ऊपर डस्ट मार देनी है। ऐसा ही आपको 2 साइडों के ब्लॉक्स के ऊपर भी करना है। फिर ऊपर चल जाना है, फिर आपको बीच वाले के ब्लॉक लगा के फिल कर देना है। फिल करने के बाद आप इससे अच्छी डिज़ाइन देने के लिए बिल्कुल पैक भी कर सकते हो। फिर आपको यहाँ पे बीच में एक ब्लॉक लगाना है, यहाँ पे 2। फिर उसके ऊपर वे डस्ट मार देनी है आपको, जैसे कि मैं मार रहा हूँ, बिल्कुल ऐसा ही करना। और अब इसे अच्छा दिखाने के लिए मैं क्वार्ट्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप कोई से भी ब्लॉक का इस्तेमाल कर सकते हो, वैसे क्वार्ट्स अच्छे दिखते हैं। देख लो बिल्कुल ऐसा ही, जैसा मैं स्टेप अपनाऊँ वैसे ही अपनाना बिल्कुल। ये देखो, ये लगा दिए। फिर यहाँ पे आपको साइड में आ जाना है। साइड में आके आपको 3 ब्लॉक तक नीचे की साइड डिक करना है। डिक करने के बाद आपको मेक श्योर आप क्राउच होके यहाँ पे होपर्स लगाना, 3 होपर्स लगाने हैं आपको। ऊपर चल जाते हैं आप, यहाँ पे सेवी को पैक कर देना। ऐसा ही आपको साइड में करना है, बिल्कुल सेम टू सेम प्रोसेस जैसा मैंने यहाँ पे किया था। इतना करने के बाद आपको चेस्ट लगा देनी है और फिर आपको यहाँ पे नीचे सोल सैंड लगा देनी है। फिर आपको 3 वाटर बकेट चाहिए होगी। फिर यहाँ पे वाटर मार देना। फिर यहाँ पे आपको एक स्लैब लगा देना है और फिर उसके ऊपर एक बटन, जो कि अपना काम हो चुका है। और फिर आप इसे अच्छा दिखाने के लिए मैं तो यहाँ पे इसको ऊपर से भी पैक कर दूँगा। और आप यहाँ पे एक फ्रेम लगा देते हैं। जिस भी चीज़ की आप वेंडिंग मशीन बनाना चाहते हो उसी को आप इस्तेमाल कर सकते हो फ्रेम के अंदर। और चेस्ट को फिल कर देना। मैंने गोल्डन एप्पल इस्तेमाल किए हैं, तो मैंने गोल्डन एप्पल डाले थे चेस्ट के अंदर। वीडियो बिल्कुल भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो।